Please subscribe our channel and press the bell icon. नमस्कार, विमला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति आ गई है। मकर संक्रांति में परमल के लड्डू बनते हैं, इसको लाई भी बोलते हैं और परमल के लड्डू भी बोलते हैं। चलिए बताते हैं कैसे बनता है। परमल के लड्डू बनाने के लिए हमने ले लिया है 200 ग्राम परमल, इसको फूटा भी बोलते हैं, मुरमुरा भी बोलते हैं। 100 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है, इसको हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है। 50 ग्राम हमने तिल ले लिया है और ये पानी। परमल के लड्डू बनाने के लिए इन चार चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, इतने में ही लड्डू बन जाता है परमल का। पहले हम तिल को सेक लेते हैं, एकदम धीमी गैस में हम तिल को सेकेंगे। अब हम गैस को बंद करते हैं, इसको पलट देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 3 चम्मच पानी डालते हैं, थोड़ा सा एकदम डालते हैं गुड़। अब हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं, पिघला लेते हैं अच्छे से। हमारा मेल्ट होना चालू हो चुका है, अब ये मेल्ट हो रहा है, हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें बहुत बबूल आने लगे हैं। अब इसको हमें थोड़ा पकाना, अच्छे से चाशनी बनाना है इसकी, कच्ची चाशनी। चाशनी हमारी बन चुकी है, गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और चाशनी अच्छी इकट्ठी हो चुकी है। अब हम एक बाउल में पानी लेते हैं और इसे हम चेक करते हैं बनी है नहीं बनी चाशनी हमारी। इसे हम निकालते हैं पानी से, ये देखिए हमारी चाशनी कितनी अच्छी बनी है, इकट्ठी हो चुकी है, ऐसी है, ये परफेक्ट है। बर्तन में डाल दिया है परमल को, अब इसमें डालते हैं ये तिल, हम अच्छे से मिला लेते थोड़ा सा तिल को परमल को। अब हम ये चाशनी को डालते हैं परमल के ऊपर, मिला लेते हैं अच्छे से चाशनी और परमल और तिल को अच्छे से। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, अब हम थोड़ा सा इसको लेते हैं हाथ में, जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से, और इसको हम ऐसे दबा दबा के, ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, ये हमारी चाशनी बहुत ही अच्छी बनी थी, इसलिए अच्छा बन रहा है। लड्डू को हम गरम गरम भी बनाते हैं, गरम गरम चाशनी में, ठंडी चाशनी जाएगी तो फिर ये नहीं बनेगा। लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसको लाई भी बोलते हैं, परमल के लड्डू भी बोलते हैं। ये परमल के लड्डू बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं। ये परमल के लड्डू बन चुके हैं, आप भी बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो अपने अनुभव विमला की रसोई में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।